कांग्रेस के स्पीक अप इंडिया अभियान के तहत चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार गरीब मजदूर और मध्यम व्यवसाय की मदद करे, गरीबों के खातों में पैसा डाला जाए, श्रमिकों को निशुल्क घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। इसी के साथ मनरेगा में रोजगार का जो दिवस है उसे 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। बात है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी की पहल पर कांग्रेस पार्टी स्पीक अप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कर रही है और उसमें जो मुद्दे उठाए जाने वाले हैं, मजदूरों से संबंधित मुद्दे हैं, हमारे जो लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं जिन पे कोरोना की महामारी की वजह से आज बहुत बड़ा संकट आया है, वो लोग हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसमें प्रमुख है भारत सरकार के द्वारा जितना जल्दी हो देश के हर गरीब परिवार के खाते में सीधा कम से कम 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जाने चाहिए ताकि महामारी के इस दौर में वो अपने परिवार को बचा सके, उसको सहारा मिल सके। और जितने देश के छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं जो दम तोड़ चुके हैं, आज उन पर आर्थिक विपत्ति आई है, अगर देश में MSME मजबूती से वापस खड़ा नहीं हुआ तो देश में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा संकट सामने आने वाला है। और ये इतनी बड़ी समस्या है कि इसके लिए भारत सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। इन व्यवसाय करने वाले लोगों को तत्काल भारत सरकार के द्वारा एक पैकेज के रूप में वित्तीय मदद की जानी चाहिए। ऋण से काम चलने वाला नहीं है, ऋण की अदायगी वो कैसे करेंगे, अभी तो उनको सहायता के रूप में खड़ा करना है और उनकी मदद करनी है। ये हम भारत सरकार से अपील करना